नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो आज पोको C3 फाइनली लॉन्च हो चुका है और ये जो पोको C3 स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है ये पोको सीरीज का सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन है। तो पोको C3 का जो लोअर वेरिएंट जो कि लॉन्च हुआ है 7500 रुपए पे और उस प्राइस रेंज में रियलमी की तरफ से भी एक स्मार्टफोन है जिसका नाम है रियलमी C11, उसका भी प्राइस है 7500 रुपए। तो इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका बजट है 7500 रुपए और अगर आप अभी कोई नया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आपको कौन सा लेना चाहिए, पोको C3 या फिर रियलमी C11। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई वक्त के बाद आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोनों स्मार्टफोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों का थिकनेस और वेट को देख के। रियलमी C3 का थिकनेस है 9 मिलीमीटर और इसका वेट है 196 ग्राम और रियलमी C11 का थिकनेस है 9.1 मिलीमीटर और इसका वेट है 196 ग्राम। अगर दोनों के डिस्प्ले के बारे में बात करें तो पोको C3 में हमें मिलता है 6.53 इंच HD+ IPS LCD डिस्प्ले जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 89%, जिसमें कोई गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है या फिर नहीं इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। और अगर रियलमी C11 के बारे में बात करें तो इसमें हमें मिलता है 6.5 इंच HD+ IPS LCD डिस्प्ले जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो लगभग 88% के आसपास और इसमें भी हमें गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है या फिर नहीं इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर दोनों के प्रोसेसर के बारे में बात करें तो पोको C3 और रियलमी C11 दोनों पे आपको हीलियो G35 प्रोसेसर मिलेगा। हीलियो G35 का जो प्रोसेसर नैनोमीटर वो दरअसल 12 नैनोमीटर और दोनों का ही Antutu स्कोर है एग्जैक्टली सेम जो कि 1 लाख से थोड़ा सा ज्यादा। अगर दोनों के कैमरे की बारे में बात करें पोको C3 में आपको मिलता है 13.2 और 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल बैक कैमरा सेटअप और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, लेकिन रियलमी C11 में आपको मिलता है 13 और 2 मेगापिक्सल का डुअल बैक कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। पोको C3 टोटल दो वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है, 3 32 GB और 4 64 GB और Realme C11 का एक ही वेरिएंट अवेलेबल है जो कि है 2 32 GB। दोनों स्मार्टफोन का जो रैम का क्वालिटी वो है LPDDR4X और दोनों का ही जो मेमोरी का क्वालिटी वो है eMMC 5.1 और दोनों पे आपको 2+1 कार्ड स्लॉट मिलता है, मतलब दो सिम कार्ड और एक SD कार्ड आप अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं और SD कार्ड के जरिए इस दोनों स्मार्टफोन का जो इंटरनल मेमोरी आप उसे 512 GB तक का इंक्रीज कर सकते हैं। अगर दोनों के बैटरी के बारे में बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 5000mAh बैटरी मिलता है और दोनों पे आपको पुराने जनरेशन का माइक्रो USB पोर्ट मिलता है। और दोनों का अगर कोई कॉमन फीचर की बारे में बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 3.5mm जैक मिलता है, दोनों पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता। पोको C3 का जो डिजाइन वो दरअसल स्प्लैश प्रूफ डिजाइन, मतलब पानी के छींटे से फोन थोड़ा सा सेफ रहेगा, लेकिन रियलमी C11 पे ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और अगर प्राइस के बारे में बात करें पोको C3 का 3 32 GB का प्राइस है 7500 रुपए और 4 64 GB का प्राइस है 9000 रुपए और रियलमी C11 का 2 32 GB का प्राइस है 7500 रुपए और रियलमी C11 एक ही वेरियंट पे लॉन्च हुआ है जो कि 2 32 GB जिसका प्राइस है 7500 रुपए। तो आप बड़ी इस वीडियो के कंक्लूजन की आपने पूरे वीडियो में देख लिया, तो 7500 रुपए अगर अभी आपका बजट है तो आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, रियलमी या फिर पोको, ये नेक्स्ट चार्ट देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपका बजट है 7500 रुपए और अगर आप इस प्राइस रेंज में पोको C3 को चुनते हो तो आपको मिलेगा बेटर बैक कैमरा मतलब ट्रिपल कैमरा सेटअप, ज्यादा रैम मतलब 1 GB ज्यादा रैम और स्प्लैश प्रूफ डिजाइन मतलब पानी के छींटे से थोड़ा सा प्रोटेक्शन रहेगा और रियलमी C11 पे आपको कोई भी एडवांटेज नहीं मिलता पोको C3 के मुकाबले। तो इस वीडियो के आखिर में हम एकदम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं अगर आपका बजट है 7500 रुपए तो आज के दिन में आपके लिए सबसे बढ़िया स्मार्टफोन है पोको C3 और 7500 रुपए में इससे बेहतर अभी तो कोई भी स्मार्टफोन मार्केट में अवेलेबल नहीं है और जितना मुझे लगता है कि अगले 2 महीने तक एटलीस्ट कोई स्मार्टफोन इस पोको C3 की जगह बिल्कुल भी नहीं ले पाएगा। वैसे यहाँ पर मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, मैंने तो आपको ऑलरेडी कह दिया था कि जो पोको C3 आने वाला है दरअसल चाइना पे जो रेडमी 9C लॉन्च हुआ था उसका ही रीब्रांडेड वर्जन है। हो सकता है कि ये रीब्रांडेड वर्जन है लेकिन थोड़ा सा अलग है, चाइना वाले भी आपको सेम प्राइस रेंज में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता था लेकिन इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है। तो आज का वीडियो तक उम्मीद है आज के छोटा सा कंपैरिजन आपको पसंद होगा। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ अगर आपका बजट है 7500 रुपए तो आप कौन सा लोगे, पोको लोगे या फिर रियलमी लोगे। वैसे दोनों स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा और ये जो पोको C3 इसका सबसे पहला सेल होगा 16 अक्टूबर, मतलब जिस दिन फ्लिपकार्ट पे जो बिग बिलियन डे शुरू होने वाला है। और मुझे जितना पता है अगर आपके पास SBI बैंक का क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड है और अगर आप इस स्मार्टफोन को EMI से लोगे तो आपको 0% EMI मिलेगा, अगर आप इसे डायरेक्ट कैश में लोगे तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर आपको और भी 10% का छूट मिलेगा, मतलब 7500 रुपए का पोको C3 आपको मिलेगा मिनिमम 7000 रुपए पे। तो आज के वीडियो इतना, उम्मीद है आज के छोटा सा कंपैरिजन आपको पसंद होगा। फ्यूचर में अगर वैसे और भी कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।